बुध बाजार में पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से गरीब बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 113 बच्चों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर करण सिंह, राजेश अग्रवाल और अपूर्व शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में बोरे की रेस, चमच और नींबू रेस और 50 मीटर की रेस कराई गई। बोरे की रेस में केशव और कशिश ने जीत हासिल की। चम्मच और नींबू की रेस में कनक और गोपाल ने जीत हासिल की और 50 मीटर की रेस में अलमोद और अंश यादव जीते। म्यूजिकल चेयर में राधिका ने बाजी मारी और वहीं रस्साकशी में ऋषभ, शिवा, प्रिंस, पीयूष और मानसी ने बेहतर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को सेवा भारती की ओर से गिफ्ट वितरित किए गए। कार्यक्रम में बतौर कोऑर्डिनेटर सुश्री शोभा चौधरी ने अहम भूमिका निभाई और उस दौरान संस्था के संस्थापक गरिमा सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि हर वर्ष बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उनको एक उत्तम मंच देने के लिए उनकी संस्था ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है। हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज के अंदर गरीब व असहाय बच्चों की एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। जो बच्चे पढ़ने स्कूल नहीं जा पाते हैं, भीख मांगते हैं या कुछ अनैतिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों को फुटपाथ पर क्लास लगाकर पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट पढ़ाता है। इसके अलावा मुरादाबाद की अन्य संस्थाएँ जैसे कि झूले आसमां, उम्मीद संस्था, हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज भी ऐसे बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। आज ऐसे ही बच्चों के लिए एक खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 प्रकार की रेस हमने आयोजित की। इसमें बच्चों के लिए बोरे वाली रेस थी, लेमन एंड स्पून रेस थी, 50 मीटर की दौड़ थी, म्यूजिकल चेयर था, खो खो था, कैरम था। करीब 103 बच्चों ने पूरे मुरादाबाद शहर से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। हमारे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री करण सिंह जी, MD टेम्पटेशन स्वीट मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्रेस फर्नीचर से राजेश अग्रवाल जी ने शिरकत की और इस पूरे कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में श्रीमती अपूर्वा शर्मा मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई लोगों ने विशेष योगदान दिया। सारे बच्चों को, जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था, सेवा भारती की तरफ से और अपूर्वा जी की तरफ से इन सभी बच्चों को गिफ्ट दिए गए। जीतने वाले सभी बच्चों को बहुत खूबसूरत उपहार दिए गए। सभी बच्चों ने खूब जम के मस्ती करी, सारे गेमों में प्रतिभाग करके उनको बहुत अच्छा लगा। संस्था की संस्थापिका होने के नाते मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी संस्था हर वो कोशिश करती है जिससे बच्चों का खोया हुआ बचपन हम वापस ला सकें, उनको पढ़ाई, खेल और अलग तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ करके उनकी प्रतिभा को निखार सकें। हम भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखें। कार्यक्रम में कल्पना चूड़ामणि, प्रशांत केसरी, शिल्पी सेनी, विशाल आदि मौजूद रहे।